एक प्रश्न है, सात स्टेजेस आत्मा का जो बताया जाता है, अशरीरी बनो, अव्यक्त बनो, आत्माभिमानी बनो, बिंदु स्वरूप स्थिति, निराकार स्थिति, परिस्ता स्वरूप, विदेही स्थिति, इनमें क्या अंतर है, इनका कैसा अभ्यास करें? पहले बताता, पांच नाम बाबा के मूल में आते हैं, अशरीरी, विदेही, आत्माभिमानी, अव्यक्त बनो, बिंदु बनो। ये सब पांचों नाम एक ही है, बिंदु आत्मा, अशरीर शरीर नहीं है आत्मा, विदेही देह नहीं आत्मा, अव्यक्त व्यक्त नहीं अव्यक्त। ये सब एक एक जगह एक एक बाबा ने नाम लिया। तो इन सभी का आत्म अभिमानी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, कैसे होना उसकी विधि बताए। सिर्फ मैं आत्मा हूं कहते माता जी मुझे दिखाई देती है, लेकिन माता जी कौन है, माता जी आपका नाम, आप कहां से आए, आप क्या करते, पता चले माता जी कौन है। मैं आत्मा हूं पता है, कौन सी आत्मा हूं, देवात्मा, महात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, कौन सी आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा। तो पांच प्रश्नों का चिंतन करते हो, कम से कम पांच मिनट आत्मा का चिंतन करते हो, आत्मिक स्वरूप निश्चित होते, फिर शिव बाबा को याद करो।